नमस्कार, मैं हूं करनाल से केसी आर्य। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी में, आपका स्वागत है। आज कांग्रेस सेवा दल की तरफ से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और सभी यहां पर अपना तिरंगा लेकर के पूरे शहर भर में लोगों को जागरूक करेंगे कि जैसे भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था, आज कांग्रेस द्वारा भी तिरंगा यात्रा उसी का रूप धारण करती जा रही है कि बीजेपी छोड़ सर भारत छोड़े, बीजेपी सरकार को भगाने के लिए, बीजेपी सरकार को उखाड़ने के लिए आज कांग्रेस सेवा दल का यह अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसमें पुरानी अनाज मंडी से पूर्ण रूप से यहां पर सभी कांग्रेस के सेवा दल यहां पर झंडे लेकर तिरंगे लेकर यहां पर सड़कों पर खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे शहर भर में यह यात्रा जाएगी और लोगों को जागरूक करेगी कि आज भारत छोड़ो आंदोलन की महात्मा गांधी द्वारा शुरुआत की गई थी, इसी को लेकर यहाँ पर सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। थोड़ा चलने दे, फिर बाइट थोड़ा आगे चलो। कांग्रेस की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और पूर्ण रूप से यहां पर सभी लोग तिरंगा यात्रा का स्वागत करते हुए यहां पर पहुंचे हैं। पुरानी सब्जी मंडी से यात्रा शुरू हो रही है और पूरे बाजार में यह यात्रा जाएगी। चौहान साहब, क्या कहेंगे आज तिरंगा यात्रा का, यानी क्या मकसद है इसका? आज तिरंगा यात्रा का मकसद है क्योंकि हमारी 1923 के अंदर कांग्रेस सेवा दल 9 अगस्त को स्थापित कर गई थी, उसी के उपलक्ष्य में हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है क्योंकि हम अंग्रेजों से लड़े, देश आजाद करवाया। अब ये सरकार अंग्रेजों से भी बुरी है, जिन्होंने के लोगों की कमर तोड़ दी, जनता की कमर तोड़ दी है। इस सरकार के अंदर महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, हर तरह से हाहाकार मच रहा। पैकेज की ये बात करते, आज तक किसी को कोई पैकेज नहीं दिया गया। इसके ऊपर हम विरोध में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और देश की जनता के अंदर जो तिरंगे के प्रति सम्मान है उसको करते हुए इस भाजपा पार्टी का विरोध कर रहे हैं। कहां जाएगी आज ये तिरंगा? आज ये मेन बाजार में से होती हुई रामलीला ग्राउंड में जाकर खत्म करी जाएगी, मेन बाजार में को निकली जाएगी तिरंगा यात्रा। राष्ट्रीय ध्वज लेकर हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। कहां से लोग शामिल इस तिरंगा यात्रा में हुए? ये प्रतिनिधि हुए हैं हर जिले वाइज, हिसार के भी हैं, जींद के आ चुके हैं, रोहतक के आ चुके हैं, डबू वाली के आ चुके हैं, हर जगह के पांच पांच आदमी सदस्य। कहाँ से आप आए हैं? सिरसा से हैं हम, सिरसा से, डबाड़ी से, रानिया से, अहलाबाद से 20 आदमी आए। क्या मकसद है इसका? मकसद यही है, कांग्रेस पार्टी यात्रा निकालेगी तिरंगा बीजेपी के खिलाफ। तो ये थे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कि यहाँ पर आज कांग्रेस सेवा दल के बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर बीजेपी को उखाड़ने की, सरकार को उखाड़ने की बात की जा रही है, उसी को लेकर जो है यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जो है जोगिंदर चौहान सभी को बता रहे हैं। देश से कोई मतलब नहीं है, ये बाबे बाबे होते हैं, इनके अंदर आम आदमी, आम नेता, आम कार्यकर्ता ही देश के बारे में सोच सके, बाबे कभी नहीं सोच सकते। चौहान साहब, क्या कांग्रेस में जो है ना गुटबाजी ज्यादा हावी होती जा रही है और कार्यकर्ता नहीं जुट पाते, कारण? हमारी सेवा दल के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है, हमने प्रतिनिधि सारी जगह के बुलाए हैं, सब आए हैं, हमारे अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। इसमें उड्डा के आदमी भी है, शैलजा के भी है, इसके अंदर रणदीप सुरजे वाले के भी हैं, इसके अंदर हमारे कैप्टन अजय यादव के भी आदमी आए हुए हैं, किरण चौधरी के भी आए हुए हैं, ऐसा कोई नेता नहीं जिसके आदमी ना हो। यदि एक नेता 90% के अंदर प्रतिनिधित्व करता उसके 90% पाएंगे। तो आज महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, तो क्या बीजेपी के देश छोड़ना है, सरकार छोड़ने का आंदोलन शुरू किया जाएगा? ये भाजपा जिस टाइम अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने आंदोलन कराया था उस समय ये भाजपा कहीं नहीं थी। उस समय देश की 1942 के अंदर ये आंदोलन किया गया था 9 अगस्त को, और उसके अंदर डिमांड यही थी कि इस देश के अंदर से अंग्रेज भारत को छोड़े, आजाद करे, और आजादी 1945 में अनाउंस कर दी थी, 1947 के अंदर अंग्रेज देश छोड़कर चले गए थे। जब तक हमारी कांग्रेस, हमारे कार्यकर्ता, हमारी सेवा दल गौरव मनी बैठी थी, जब तक के अंग्रेज यहाँ से छोड़कर नीचे चले गए, जबकि बड़े बड़े नेता हमारे जेल में चले गए थे, हमारी सेवा दल ने ये झंडा बुलंद रखा, और जब तक अंग्रेज नहीं गए
जब तक बुलंद रखा था। अभी इस भाजपा के खिलाफ हमने ये संघर्ष छेड़े है, जब तक भाजपा देश छोड़ कर नहीं जाएगी जब तक हम संघर्ष करेंगे। जब तक भाजपा देश छोड़ कर नहीं जाएगी तब तक यह तिरंगा कांग्रेस सेवा दल अपना कर रखेगा, इसी को लेकर आज यहाँ पर पहुंचे हैं। आज यात्रा शुरू हो चुकी है और सभी यहाँ से जा रहे हैं। मैडम क्या कहेंगे, आज तिरंगा यात्रा शुरू हो रही है इसके बारे में? आज ये तिरंगा यात्रा हम निकालने जा रहे हैं। ये तिरंगा यात्रा का मकसद ये है, जो मोदी जी ने 3 काले कानून निकाले हुए हैं और जो उन्होंने ये महिलाओं के खिलाफ ये जो जगह जगह ये जो चला रहे हैं, कभी रसोई गैस पे वार कर रहे हैं, कभी सिलेंडर पे वार कर रहे हैं, महिला शक्ति, आज महिला शक्ति निकल चुकी है। यहाँ से हम यात्रा शुरू कर रहे हैं और आज ये यात्रा यहाँ से शुरू होके पूरे हरियाणा में हम यात्रा करेंगे। और जो है मकसद क्या है सरकार, इसका मकसद ये है कि सरकार को जड़ से उखाड़। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता शर्मा, स्टेट प्रेसिडेंट महिला सेवा दल। तो ये थे सुनीता शर्मा जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है महिला सेल की, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूर्ण रूप से जो है कांग्रेस सेवा दल की तरफ से जो तिरंगा यात्रा है वो निकाली जा रही है। सभी कार्यकर्ता हाथों में झंडे लेकर के फहरा रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को निशाना साध रहे हैं कि जब तक बीजेपी सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे तब तक यह तिरंगा हाथ से नहीं छोड़ेंगे। और तिरंगा यात्रा का मकसद यह है कि पूरे शहर के लोगों को जागरूक करेंगे और शहर के हर मुख्य चौक चौराहों पर जाकर के लोगों को यह बताया जाएगा कि कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार, 3 कृषि कानूनों को लेकर व जासूसी कांड को लेकर ये पूर्ण रूप से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी को लेकर के आज का मकसद है कि सरकार को उखाड़ कर फेंकना है और बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तिरंगा यात्रा यहां से आप शुरू होगी। पुरानी अनाज मंडी सब्जी मंडी से है तिरंगा यात्रा शुरू की जा रही है। फिलहाल सभी जो कार्यकर्ता हैं वो अपने हाथों में तिरंगा लेकर चल दिए हैं और अब यह पैदल यात्रा यहाँ से शुरू की जा रही है। हमारे साथ जो कांग्रेस सेवा दल की महिलाएं उनसे जानते हैं। मैडम क्या कहेंगे, आज की यात्रा का क्या मकसद है? जैसे 1942 में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन किया था, ऐसे ही हम आज एक यात्रा करें कि रोष प्रदर्शन है भाजपा के खिलाफ कि भाजपा गद्दी छोड़ो, क्योंकि इन्होंने जो जो भी वायदे किए थे किसी भी वायदे पे ये खरे नहीं उतरे हैं। चाहे उसमें महंगाई को ले लो और चाहे किसी भी नीति को देखो, इन्होंने पूरी तरह से खरे नहीं उतरे हैं, देश को बेचने पे लगे। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार है वो तो बढ़ ही रहा, सबको पता। भाजपा सरकार ने तो ऐसा बुरा हाल कर रखा कि तेल 100 रुपए लीटर है, अगर सरसों का तेल लगा लो रसोई में 200 रुपए लीटर तो खाएंगे क्या खाएंगे, सिलेंडर 1000 रुपए का। महिलाओं के हमेशा महिलाओं के हक पर डाका डाला है बीजेपी सरकार ने, एक निकम्मा काम करा। और जो भी गलत हुआ महिलाओं के लिए हुआ, माला रेप लगा लो और हत्या लगा लो, भ्रूण हत्या लगा लो, महिला के ही साथ हमेशा गलत होता रहा। और आज तिरंगा यात्रा का मतलब है कि हम देश में शांति चाहते हैं और हम देश में शांति चाहते हैं। तिरंगा यात्रा का मतलब यह है कि भाजपा को उखाड़ फेंकना, इसी को लेकर पूरी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। मैं हूँ करनाल से KC आर्य, पंजाब केसरी TV।